ईश्वर की कृपा प्राप्ति हेतु मस्त व्यूज थ्री चैनल को सब्सक्राइब करें। बागड़ के लोक देवता श्री गोगा पीर महाराज की जय। श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। वीडियो देखने वाले सभी भक्तजनों का गोगा मेड़ी मेले में हार्दिक स्वागत है। गोगा पीर महाराज का आशीर्वाद वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों पर बना रहे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मस्त व्यूज थ्री में। दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा गोगा मेड़ी मेला शुरू हो चुका है। भगत जन यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और मेला अपने पूरे स्वभाव पर आ चुका है। जैसे कि आपको पता है भादो माह में मेला भरता है, वैसे एक महीना पहले से यहाँ पर मेले की तैयारियां दोस्तों शुरू हो जाती है। यहाँ पर मुख्यतः दो स्थानों पर मेला लगता है, पहला गोरख टीला और दूसरा गोगा पीर महाराज का समाधि स्थल यानी कि गोगा पीर का मंदिर। दोनों की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है दोस्तों, लेकिन दोनों का रास्ता मिलता है, दोनों का मेला ग्राउंड भी आपस में मिलता है, क्योंकि दोनों का मेला ग्राउंड काफी बड़ा है दोस्तों। एक दूसरे से आप मेला ग्राउंड में जा सकते हैं। यहाँ का गोगा मेड़ी का अपना रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों, यहाँ पर रेल के द्वारा भी आप आ सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन पर उतरेंगे, गोगा मेड़ी मेला सामने नजर आ जाएगा दोस्तों। रेलवे फाटक के दोनों ओर मेला लगता है, काफी बड़ा मेला है दोस्तों। और यहाँ पर इस मेले के दौरान यहाँ पर ऊँटों का मेला भी साथ साथ लगता है दोस्तों, जो कि पूरे एक माह चलता है। गोगा मेड़ी मंदिर के सामने ही ऊँटों का मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पर किसान भाई अपना ऊँट बेच व खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसी झील में आप पानी के जहाज का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं भगत जन स्नान कर रहे हैं। और ये गोरख टीला का व्यू देखिए दोस्तों, भगत जन यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं। प्रतिदिन वैसे यहाँ पर धूप लगती है दोस्तों, और मेला 24 घंटे यहाँ पर ओपन रहता है। आप रात के समय भी मेले में भ्रमण कर सकते हैं और खरीदारी करते हैं। जो सभी दुकानें मेले के अंदर लाखों दुकानें हैं दोस्तों, 24 घंटे खुली रहती हैं। और यहाँ पर दोनों मंदिरों के सामने ही आपको प्रसादों की दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ से आप प्रसाद भी यहीं से ले सकते हैं। दोस्तों, गोगा मेड़ी मेले में आपको मेले के साथ साथ यहाँ पर मनोरंजन के साधन भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े झूलों का आनंद आप ले सकते हैं, ऊंट की सवारी का आनंद आप ले सकते हैं, गोरख टीला के अंदर गोरख गंगा झील के अंदर आप किश्ती का आनंद भी ले सकते हैं, और यहाँ पर सर्कस का खेल और जादू का खेल भी चलता रहता है, इनका आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों मेला ग्राउंड में आपको काफी सस्ते दामों पर हर प्रकार के आइटम, काफी सुंदर आइटम, हर प्रकार के खिलौने, हर प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको काफी सस्ते दामों पर मिल जाएंगी दोस्तों। काफी बड़ा मेला है यहाँ पर, हर प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर कारीगरों द्वारा देख सकते हैं आप, ये हाथों द्वारा तैयार की जाती है, तराशी जाती है पत्थरों द्वारा। तो ये सामने देख रहे हैं आप गोरख टीला का व्यू दोस्तों। गोरख टीला धाम भी काफी बड़ा है, यहाँ पर भी अष्टमी के दिन श्री गोरखनाथ महाराज की पूजा होती है, और गोगा पीर महाराज की नौमी के दिन काफी बड़ी पूजा होती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों 12 महीने भक्तजन आते रहते हैं और गोगा पीर के मंदिर में मत्था टेकते हैं। यहाँ पर वैसे तो 12 महीने मेला चलता है, क्योंकि गोगा मेड़ी मेला कभी समाप्त नहीं होता। वैसे सबसे बड़ा मेला दोस्तों भादो माह में शुरू होता है, जो कि अब की बार 1 सितंबर 2023 से शुरू होगा और पूरे सितंबर माह चलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप गोरख टीला के अंदर, यहीं पर ये गोरख झील का नजारा सामने देख रहे हैं। इसी झील में आप स्नान कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है दोस्तों। इस गोरख गंगा में स्नान करने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और श्री गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दोस्तों यहाँ पर दोनों मेला ग्राउंड के नजदीक ही आपको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएगी। आप अपना वाहन यहाँ पर कुछ पैसे देकर पार्क कर सकते हैं। गोगा मेड़ी मेला दोस्तों सदियों से लगता आता है। यहाँ पर गोगा पीर महाराज का समाधि स्थल में पूजा होती है। दोस्तों गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा गांव में है। वहां पर भी भादो माह में काफी बड़ा मेला लगता है और पूरे एक माह चलता है। दोस्तों गोगा मेड़ी मेले में गोगा जी के भक्तों द्वारा काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर भंडारों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर गरीब आदमी भर पेट फ्री में खाना खा सकता है। दोस्तों गोगा मेड़ी मेले में सांपों का दर्शन करना काफी शुभ माना जाता है। गोगा पीर महाराज सांपों के देवता भी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नागों के दर्शन करने से और बाबाओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से मनुष्य को कभी नागों का डर नहीं रहता। सामने देख रहे हैं दुकाना, आप यहाँ पर मिट्टी के हर प्रकार के खिलौने, हर प्रकार के बर्तन खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः खिलौना ऊंट और घोड़ा आप अपने घर अवश्य लाएं। दोस्तों ऊंट और घोड़े का खिलौने का जोड़ा गोगा पीर का आशीर्वाद के रूप में अपने घर अवश्य लाएं। दोस्तों अगर आप अभी तक गोगा मेड़ी मेले में नहीं गए हैं तो अब की बार एक बार अवश्य जाएं, क्योंकि जो एक बार जाता है वो हर साल जाता है। गोगा मेड़ी मेले का आकर्षण कुछ खास है दोस्तों। ये मेला भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यही है। यहाँ पर एक बार जो भक्त जन इस मेले में आ जाता है तो वो गोगा पीर के आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आता है दोस्तों। दोस्तों गोगा मेड़ी मेले की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस मेले में आपको हर प्रकार की आइटम मिल जाती है। बच्चों के खिलौने से लेकर बच्चों के कपड़े, घड़ी, वॉच, संगीत के साधन, मोबाइल और कंप्यूटर की एक्सरीज का सामान दोस्तों यहाँ पर आपको काफी कम दामों पर मिल जाएगा। दोस्तों गोगा पीर महाराज को हर धर्म के लोग मानते हैं और प्रत्येक राज्य से यहाँ पर भारत के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मेले में पहुँचते हैं। दोस्तों इस मेले की छटा देखते ही बनती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दोस्तों और राजस्थान के टिब्बे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोगा मेड़ी मेला गोगा मेड़ी गांव में लगता है और जिला हनुमानगढ़ तहसील नोहर के अंदर आता है। दोस्तों गोगा मेड़ी मेले का हर अपडेट हम आपको वीडियो के द्वारा देते रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। दीजिए इजाजत, जय श्री गोगा पीर महाराज की।